जल्दी जल्दी में हम निकले, हमने प्लान बनाया, हमने पैकिंग भी कर ली है, हम ऑटो से जा रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन और ये रही डाउन कर रहे हैं। तो बहुत एक्साइटेड जाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से बोला हुआ था, बहुत मन्नत मांगी हुई थी कि प्लीज बुला ले, तो फटाफट मतलब अपने किसी को कुछ नहीं बोला, बस करम कुछ भी चलना चलना चलना, विलासमन का चलना नहीं चलना, मैंने टिकट करा दी तत्काल में करा दी फटाफट, और शिव शक्ति टिकट कराई है, हमारा 7 बजे का टाइम है, अभी 5:30 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जाम होता है अभी इस साइड, तो हमें कम से कम लगेगा 1 घंटा, तो टाइम से हम पहुँचे, हम निकल गए हैं, तो हम जा रहे हैं। वैसे हम कम काफ़ी टाइम से पहुँच गए, 6 बजे हैं, 1 घंटा है अभी, और प्रीतिता सो गई है, तो अब जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। गाइस हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, और मैं रेलवे स्टेशन, मुझे हो गए हैं 7-8 साल, मैं 7-8 साल बाद आई हूँ और सफ़र कर रही हूँ, और बहुत एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है, और रीता सो गई है। हाँ थोड़ी सी वीडियो बनाने दिक्कत होगी, क्योंकि करण के पास सामान बहुत है और मेरे पास रेतु, तो उसका केयर करनी है, ध्यान से पकड़ना है उसको, तो चलो जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, और रीता तो सो गई है, करण और मैं वेट कर रहे हैं अभी हम ट्रेन का, अभी 6:20 हुए हैं, हमारी 7:10-7 बजे की ट्रेन है, हमने शिव शक्ति में जाना है, तो अभी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कितना टाइम लगता है अभी आने में। पहले आप लास्ट किसके साथ आए थे? मामा के साथ आए थे। कब आए थे? 2000। रिलेशन में थे जब तुम मेरे साथ, तब आए थे, उस बीच में नहीं आए थे ना, तो 16 से पहले ही आए होंगे, तब फिर से रिलेशन ही था कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे ऑप्शन चल रहे थे ना, हैं बहुत ऑप्शन चल रहे थे, 4-5 साल तो हो गए ना, हैं 4 साल हो गए हैं। और गाइस मैं आई हूँ, इन्हें 4 साल हो गए हैं, और मुझे, मैं 2014 में आई थी, वैष्णो देवी ही आई थी मैं ट्रेन से, मैंने ट्रेन से सफ़र जो किया है वो वैष्णो देवी के लिए किया है, बाकी कोई रिश्तेदार तो है नहीं हमारा, सारे दिल्ली में ही बसे हुए हैं, कुछ रिश्तेदार रहते हैं लेकिन करण जा लेके नहीं जाते, क्योंकि करण के रिलेटिव हैं, तो अब देखते हैं, चलो आई होप बस एक बार वैष्णो देवी की माता के दर्शन हो जाए, सब अच्छा अच्छा हो। गाइस हमारी ट्रेन आ गई है, और दीदीदा भी उठ गई है, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, तो जा रहे हम ट्रेन में बैठने। अब हम कर रहे हैं डिनर, आलू की सब्जी और पूरी जो मम्मी ने बनाई है, मजे से और कर रहे थे, और 8 बज चुके हैं, तो हमें भूख लग गई थी, तो मैंने कहा हम खा ले थोड़ा सा। जी तो कैची बनी है पूरी, टेस्टी, यम्मी यम्मी, यम्मी यम्मी, हाँ जी।
गाइस हम ट्रेन से उतर गए हैं और टाइम अभी हो रहा है 5:43, मतलब काफ़ी। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय माता दी। तो हम जा रहे हैं स्टेशन से बाहर, फिर स्टे करने के लिए हम होटल देखते हैं, कहाँ रुकते हैं, फिर वहाँ पे फ्रेश व्रेश होके फिर जाएंगे। गाइस हम पहुँच गए हैं, मतलब होटल से निकल गए हैं, अब हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एंट्री कर चुके हैं हम और ये रहे करण और रीता को दिखाते हैं आपको। ये रीता जो मैंने कैरी बैग ले लिया ताकि मैं इसको वेयर कर सकूँ, पकड़ सकूँ, क्योंकि पकड़ के वैसे चलने में ताकत होती है, इसलिए बैग में टांग रखे तो दिक्कत नहीं होती है और भीड़ बहुत हो रही है। तो एक चीज़ हाँ और है इसमें कि अब यहाँ पे ना वो नहीं चलती ऑनलाइन पर्ची, यात्रा पर्ची होती थी, अब आपको आना ही पड़ेगा, आपकी फ़ोटो क्लिक होगी और यहाँ पे आपको कार्ड दिया जाएगा, वो ये रहा कार्ड। तो चलो चलते हैं, चलो चलो लाइन में, चलो चलो कितनी लंबी लाइन है। हम आ गए वैष्णो देवी, हम जा रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम चढ़ाई। दीदी तो बोल, जय माता दी, जय माता दी। हमने पीछे घोड़ा, पीछे घोड़े आ रहे हैं। हमने जो है चेकिंग के लिए एंट्री कर ली है, अब हम कल का वेट कर रहे हैं मेन वाले में। वो बहुत मेन वाले में तो बहुत भीड़ है, गर्ल्स वाला तो लेडीज़ वाला फिर भी जल्दी जल्दी हो गया है। तो जा रहे हैं, थोड़ा सा हम रास्ता चल रहे हैं बट मेरे को भूख लग रही है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है और क्या कहते हैं विदिता को भी भूख लग रही थी तो और हमारा आगे तो चाय पियेंगे, प्रांता खाएंगे, अब्बा खाएंगे, अब्बा। तो देखते हैं करण वेट कर रही, इसलिए करण सिमरे ने गया, उसको कॉल वॉल की कोई मतलब दिक्कतें हो रही थी तो उसको जरूर थी तो इसलिए वो गया हुआ है सिमरे के लिए। चलो एंजॉय गाइस। रिदिता सो गई थी और रिदिता के साथ चढ़ाई नहीं हो पा रही थी पॉसिबल, तो हमने गाड़ी की है, गाड़ी सॉरी घोड़ा गाड़ी, घोड़ा पे हम बैठे हैं तो भैया हमें लेके जा रहे हैं, ये है करण। और अभी मैं अपने आप को भी दिखाती हूँ, मेरे को बार बार ना फ़ोन घुमाना पड़ता है। ये हूँ मैं, रिदिता सो गई है, सोते हुए ना नई चढ़ाई कर पा रही थी तो हमने घोड़ा कर लिया, अभी अर्धकुंवारी तक हम घोड़े पर जा रहे हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। बहुत मुश्किल रहता है बच्चे के साथ में। ये शादी की घोड़ी पे चढ़े नहीं है बट माता रानी ने इन्हें अपने दर्शन के लिए चढ़वा दिया तो हम जा रहे हैं, हमने घोड़ा कर लिया। ये देखिए करण और ये देखिए हम, और मैं हम बीच पे होश पे आधा तो कर लिया है बस, शायद 2 किलोमीटर और रह गया होगा अर्धकुंवारी तक। तो हम आ गए थे घोड़े पे, उसके बाद हम पैदल आए क्योंकि बैटरी रिक्शा के बहुत टाइम था तो मैंने कहा चलो पैदल चले थे, आते हुए देखते शायद हम बैटरी गए। तो करण पी रहे हैं हॉट कॉफ़ी और मैं पी रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी और जिद्दू हमारी ले रही है चॉकलेट। तो थक गया यार बहुत ज़्यादा। हम भवन के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं और ये पहाड़ है काफ़ी सुंदर है और गाइस रात के बज रहे 11 और हम अर्धकुंवारी तक तो कैब से आए थे क्योंकि हमारी 11 बज रहे होंगे। एक्चुअली हम वहाँ से मतलब वही आरती के बाद हमने दर्शन किए, दर्शन बहुत प्यारे हुए, बहुत आराम से हुए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो आराम से हमारे दर्शन हो गए थे। वहाँ से दर्शन करके हम निकल गए थे, हमने अभी कुछ खाया नहीं, हमने कहा वहाँ जाके खाएंगे
नीचे उतर के, पहले तो ये था कि बस नीचे उतर जाए क्योंकि मेरे को पैदल चलने में बहुत दिक्कत हो रही है अभी रिदिता के साथ इसको कैरी करना, और करण के पास ये रुक नहीं रही है। तो हमने जैसे तैसे जाने में तो घोड़ा कर लिया, फिर वहाँ से पैदल चले गए हिम्मत करके माता रानी का नाम लेके। और अब जो है मैंने करण को बोला कि कोई बात नहीं, हमें वेट करना पड़े, हम मतलब फ्री हो गए थे 8 बजे 9:30 बजे तक फ्री हो गए थे 8 बजे आरती के बाद। मैंने कहा चाहे वेट करना पड़े, अभी अंधेरा आ रहा होगा पता नहीं, मैं दिख रही हूँ दिख रही, तो वेट करना पड़े, बट हम जो है इलेक्ट्रॉनिक जो वैन होती है उससे ही जाएंगे क्योंकि वो 15 मिनट में पहुँचा देती है। तो अगर वहाँ वेट भी करना पड़े हमें 1 घंटा 2 घंटा, तो एटलीस्ट हम जितना हम चल पाएंगे उतने आधे रास्ते नहीं पहुँच पाएंगे। बोला भवन